अभी हो चुका है एक बहुत ही तगड़ा सीन, मिसिंग मार दिए, बुक 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 करने लगते, पता है क्या हो जाता है इसको एकदम से। तो बैटल ऑन भी था तब भी बैटल निकल रहा था, ऑफ था तब भी बैटल निकल रहा था। जब 500 साल की लड़ाई जीत के आए हैं तो क्यों ना हम लोग दिवाली बनाए। हजारों पीस है, जब भी हमारी कोई YouTube फैमिली से मिलता है तो उसको ये स्टिकर दिया जाएगा। लगती तो बहुत प्यारी है, जब तक इसके अंदर जान नहीं होगी तो ये अभी फिर किसी काम के नहीं है। जितना पैसा है सारी केदार बाइक में लग जाएगा तो राइड कैसे होगी, हो सकता है शायद वो चैन टूट जाए। तो बाकी जो राइड है हमारी बड़ी वो आपको जरूर बताऊंगा। वो प्रॉब्लम दोबारा से अटक चुकी है, अब यही जो है मैं इसको अपनी बाइक को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये है कि अगर मैं जहाँ राइड पे जा रहा ना कसम से रो पड़ूंगा मैं तो। सो हेलो एवरीवन, चिल करो, फिल करो, जो भी करो मिलके करो। सो गाइस फाइनली फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों फाइनली आज का ब्लॉग होने वाला काफ़ी ज़्यादा तगड़ा, बाकी मेरी दमदार से ना बहुत ही बढ़िया होंगी, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग होने वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जिसमें कि हम लोग कराने वाले अपने केदार बाइक में एक बहुत ही तगड़ी सर्विस, प्लस साथ ही साथ ये है कि भाई अपना कल 22 तारीख थी, आज है 23 तारीख, कल हमारे श्री राम जन्मभूमि में अपने श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बाकी ये बहुत बड़ी गर्व की बात है अपने हिंदू लोगों के लिए, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इसके लिए। प्लस साथ ही साथ ये है कि भाई हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही बड़ी बिगेस्ट सरप्राइज, एक तगड़ी राइड पे, जिसमें कि भाई हमारी राइड जो होने वाली है वो बहुत ही तगड़ी होने वाली है। सारे काम हमारे रेडी हो चुके हैं, बस जाने की डेट जो है वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पता लगेगी कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, वहाँ पे रील वगैरह आप लोगों को अपलोड कर देंगे। वहाँ पे आप लोग सपोर्ट करो और प्यार दो अपना, जो कि भाई अपनी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है स्क्रीन पे, फटाफट से जाओ और फॉलो करो कि वहाँ पे भाई आपको अच्छे से अच्छे रील भी देखने को मिलती है, और सपोर्ट और प्यार करो, आप लोगों को वहाँ की राइड का पता लग जाएगा कि भाई हम लोग फाइनली राइड पे कहाँ जा रहे हैं। बाकी यही है कि अभी मैं जा रहा हूँ कमल उस्ताद जी की शॉप पर, जो कि भाई अपनी बाइक में करा रहा हूँ सर्विस। काफ़ी दिनों के खड़ी खड़ी, जब से मैं जयपुर की राइड से आया हूँ ना तो मतलब काफ़ी चल चुके, पहले मैं बद्रीनाथ की राइड पर भी गया था। तो यही है कि भाई अभी मैं अभी जयपुर की राइड से जब आया हूँ तो भाई अपनी बाइक में काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है मिसिंग, जो कि जब भी चला रहा हूँ तो भाई मिसिंग बहुत ज़्यादा मार रही है। प्लस साथ ही साथ यही है कि काफ़ी सारे उसके अंदर काम होने वाले, एक से एक तगड़ी चीज़ें उसके अंदर होने वाली, एक से एक तगड़े उसके ब्लॉग आने वाले हैं। अभी क्या है, अभी सीधा कमल उस्ताद जी के शॉप पे चलते हैं, वहाँ पे कराते सर्विस, क्या क्या चीज़ें खराब होगी, कौन सा हम उसके अंदर ऑयल डलवाएंगे। बाकी आप लोग फुल वीडियो को एंजॉय करना, वीडियो में आने वाला है बहुत मज़ा। हो सके तो मैं ब्लॉग में आपको बता सकता हूँ कि भाई हम लोग बिगेस्ट सरप्राइज जो हमारी राइड है वो कहाँ की होने वाली है। प्लस साथ ही साथ आप लोग वीडियो को प्यार और सपोर्ट करना, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप लोगों का भाई वहाँ पे रील्स वगैरह बढ़िया बढ़िया अपलोड करता रहता है। बाकी चलिए फटाफट से चलते कमल उस्ताद जी के शॉप पे, कराते अपना सर्विस का काम, और जो जो उसमें होगा वो वही देखेंगे। बाकी प्लस जो भी भाई चैनल पर नए, एक वीडियो को बढ़िया से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड अपने भाई की इंस्टाग्राम की भी आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको सोरी स्क्रीन पे, लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली निकलने के लिए आई एम रेडी है, और प्लस साथ ही साथ ये ना केदार बहुत ज़्यादा मिसिंग मार रही है, कम से कम आधा एक घंटा मेरा इसके अंदर चले गया स्टार्ट करने में, और टाइम देख रहा है ना तो टाइम हो चुका है 1:48, आधा घंटा पूरा का पूरा इसके अंदर चली गया, और बार बार ये बंद हो जा रही है, मिसिंग मार रही है भाई बहुत ज़्यादा बुरी वाली। अब फटाफट से सीधा कमल उस्ताद जी की शॉप पे लेके चल रहे हैं और कराते हैं इसकी सर्विस, क्योंकि आधे रास्ते में ना ये बार बार बंद हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया, कौन से मिसिंग है, क्या हो रहा है क्या नहीं। बाकी पूरी सर्विस का काम कराते हैं और चलते हैं फटाफट से लेके कमल उस्ताद जी शॉप पर, ठीक है जी। और बाकी अपनी केदार लगती तो बहुत प्यारी है, जब तक इसके अंदर जान नहीं होगी तो ये अभी फिर किसी काम की नहीं है, क्योंकि भाई जान तो इसके अंदर चाहिए चाहिए, जान नहीं होगी तो काम नहीं होगा। अब देखते हैं कमल उस्ताद जी की शॉप तो बस, हाँ देखा बंद हो गई, अब यही इसके अंदर दिक्कत दिख रही है, बस बंद हो जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी सभी को हर हर महादेव, और बाकी अपना फाइनली निकल चुके हैं कमल उस्ताद जी की शॉप के लिए और कराते सर्विस का काम, क्योंकि ना ये बंद भी रास्ते में कभी भी हो जा रही है कभी भी, और मिसिंग मार दिए, बुक 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 करने लगते, पता नहीं क्या हो जाता है इसको एकदम से। बाकी जो इसके अंदर ये कमी है ना इसकी भाई, अगर ये कमी पूरी पे से नहीं करवाई ना, अगर ये बार बार यही ऐसी दिक्कत दी तो भाई साहब ये है कि अगर मैं जहाँ राइड पे जा रहा ना कसम रो पड़ूंगा मैं तो बस यही है कि इस वजह से ये वाला काम कराते हैं फाइनल, और आज सर्विस के लिए टाइम भी मिल गया हमें, क्योंकि भाई 13 तारीख से अभी कोई भी ब्लॉग नहीं आया, और 13 तारीख का एक ब्लॉग और भी पेंडिंग पड़ा जो कि आना है,
और वो भी अभी तक नहीं डला है, तो वो भी जल्दी से जल्दी डाल दूंगा कल परसों। बाकी यही है कि अब जल्दी से जल्दी काम करेंगे सारे, और बाकी फटाफट से पहुँचते कमल उस्ताद जी शॉप पे और कराते सर्विस का काम। और ना दोस्तों सच में 4-5 दिन से तो समझो घर की सफाई वगैरह में ही लग गया, क्योंकि 5-6 दिन तो ऐसे ब्लॉग नहीं हो पाया क्योंकि घर की सफाई वगैरह बहुत सारे काम थे भाई। देखो राम जी आए हैं, अब मोदी जी के कहना तो देखो दुनिया मान रही है तो हम क्यों नहीं माने। तो अब बस यही बात है कि भाई अपना घर की सफाई करने थी, जैसे कि दिवाली हम हर साल बनाते हैं 14 साल के वनवास के थ्रू। आज हमने भाई यही था कि भाई जब 500 साल की लड़ाई जीत के आए हैं तो क्यों ना हम लोग दिवाली बनाएं। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने घर की सफाई करी और कल दिवाली धूमधाम से बनाई, और बाकी जीत हुई सनातन धर्म की। और बाकी फाइनली अब जल्दी से जल्दी कराते हैं अपना काम, क्योंकि मिसिंग जो मार रही है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है और पता नहीं क्या हो गया इसको। और अभी तो समझो चल ही रही है, खींच ला रहा हूँ बस कैसे ना कैसे करके। सो गाइस फाइनली अपना पहुँचने वाले हैं हम अपने कमल उस्ताद जी के शॉप पे, और बस फटाफट से कराते हैं सर्विस का काम। और ना बाकी जो राइड है हमारी बड़ी वो आपको ज़रूर बताऊँगा इस वीडियो में, तो शायद मैं बता ही दूंगा लेकिन बताऊंगा जरूर कि हमारी जो राइड है वो कहाँ की है। लेकिन भाई इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट वगैरह जल्दी देखने को मिल जाते हैं। व्लॉग आज शूट होता है तो 1-2 दिन में आता है, या फिर बिजी हो जाए तो और भी टाइम लग जाता है 3-4 दिन। तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ना आए दिन कोई ना कोई रील हम लोग डालते भी रहते हैं, प्लस साथ ही साथ अपना वहाँ पे अपडेट मिलता रहता है कुछ ना कुछ कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो बाकी आप लोग इंस्टाग्राम को फॉलो करो। बाकी हम लोग फाइनली कमल उस्ताद जी की शॉप पे पहुँच ही गए, बस ये रही हमारे कमल उस्ताद जी की शॉप, जो कि काफ़ी यहाँ पे कंपनी है और इधर ही इनका काम है। और फाइनली अपने कमल उस्ताद जी शॉप हम लोग पहुँच चुके हैं, तो फटाफट से कराते हैं अपना सर्विस का काम। और बाकी उस्ताद जी अभी बिजी है, थोड़ा सा बात कर रहे किसी से, फटाफट से इन्हें डिटेल देते हैं कैसे क्या रहने वाला है, फिर कराते हैं इसकी पूरी पूरी अपनी बाइक सर्विस। बाकी अपनी केदार देखो कैसी लग रही है। सो गाइस यहाँ पे फाइनली अपने कमल उस्ताद जी आ चुके हैं, प्लस अपनी जो बाइक है ना केदार, इसको थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। बाकी अभी इनके आने के बाद डिटेल पूछते हैं कि क्या खराबी है क्या नहीं, अभी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है अपनी केदार बाइक में, क्योंकि भाई राइड लंबी होनी है तो ये काम भी ज़रूरी है। बाकी इन्होंने मिसिंग बता दी कि हाँ मिसिंग मार रही है, बाकी आप फटाफट से देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है। सो गाइस फाइनली हमारे कमल उस्ताद जी आ रहे हैं टेस्ट ड्राइव लेके, और अभी देखते हैं इनसे डिटेल लेते हैं कैसे क्या रहने वाला है सिस्टम और क्या क्या प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर। क्या लगता है दबरी है लगाओ ऊपर लगाओ है क्या चीज़ हैंडल नहीं, ये हैंडल दब खुलवाया गया है, ये हैंडल जो है ना इसमें वो लगाया है, हैंडल ऐसा लगवाया है और हैंडल भी चेंज है, अंदर से खड़खड़ कर रहा है ना बेरिंग, पता नहीं अब देखो क्या है क्या नहीं है। बेरिंग प्रॉब्लम है, जान डाल दो इसके अंदर, अब पहले तो डाल दी थी अब डालना ज़रूरी है, अब दूर जा रही है, इसमें लोड बहुत है। चलो बाकी इसमें बैरिंग की प्रॉब्लम बता रहे हैं, मिसिंग भी मार रही है। क्या करा काम कराया उनने, सिर्फ ये टंकी खोली थी, ये टंकी नहीं खोली थी मतलब खोली दी थी, यहाँ से उनने सारे सारे ये पार्ट्स खोले थे दोनों बॉक्स, और उनने यहाँ से एक मशीन थी पता नहीं कौन सी पेट्रोल वाली, पेट्रोल उनने निकाल के थोड़ा देखा था कि वो चाबी से ऑफ करके ऑन करके देख रहा था कि पेट्रोल आना जाना हो रहा नहीं हो रहा, तो पेट्रोल ऑन भी था तब भी पेट्रोल निकल रहा था, ऑफ था तब भी पेट्रोल निकल रहा था। उसका कहना ये था कि चाबी जब ऑफ होएगी तब जाके ये पेट्रोल रुक जाएगा, ऑन करोगे तो पेट्रोल निकलेगा, तो ऑफ में भी आ रहा था। हाँ तो गाइस फाइनली यहाँ पे अपने उस्ताद जी टेस्ट ड्राइव वगैरह भी लेके आ गए हैं, प्लस यहाँ पे अपना काम भी शुरू कर दिए। तो उस्ताद जी इसके अंदर क्या क्या काम होने वाला है बताओ इसके हमारी ऑडियंस को जरा। मैं टोटल बॉडी क्लीन होगी, टोटल बॉडी क्लीन होगी और हैंडल की बेरिंग, हैंडल की बेरिंग और ये चैन का कुछ बता रहे थे लूज हो रही है इतनी ज़्यादा, ये चैन सॉकेट। तो बाकी इसके अंदर 4-5 काम होने वाले, सर्विस वगैरह भी होने वाली है, अभी टोटल बॉडी भी इसकी अपनी गलते हैं क्लीन होने वाली है। बाकी यहाँ पे अपना फिल्टर वगैरह भी साफ होगा, देखते उसको कैसी हालत निकलती है। आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करो, बाकी यहाँ पे हमें कमल उस्ताद जी का काम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, मैं पहली भी राइड करके आया हूँ तो काफ़ी अच्छा काम देखने को मिला है और परफॉर्मेंस तगड़ी करती है भाई जब भी मैं कमल उस्ताद जी से काम कराता हूँ। और बाकी यहाँ पे फाइनली काम स्टार्ट हो चुका है, फिल्टर खुल रहा है, कुछ शॉट को एंजॉय करें, जो जो चीज़ें ख़राब हो और सही निकलती हैं तो आपको बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी रहेगी। तो
तो दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, अभी ना इसका ब्लॉग हमारा काफ़ी दिन पहले शूट हुआ था, इसमें मैंने ना चंदा भाई से, जो कि हमारे चंदा भैया हैं, उन्होंने इसके अंदर ना क्यूब टोटल लगाया था, जो कि भाई इसकी लुक कितनी अच्छी है, प्लस साथ ही साथ ना सिर्फ इसका रेस का इतना ही पोर्शन घूमता है और ये बहुत ही तगड़ी चीज़ लगी हुई है इसके अंदर। इसका प्रॉपर ब्लॉग बना हुआ है लेकिन अभी तक अपने यूट्यूब पर डला नहीं है, हो सके तो इस ब्लॉग के ना आपको एक दो दिन पहले आपको वो ब्लॉग देखना मिल जाएगा इसका क्यूब टोटल का, जो कि मैं डाल दूंगा, ठीक है जी। बाकी उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल वगैरह सब बताई भी, आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो कि भाई उस इस वीडियो से एक दो दिन पहले ही आया है वो। तो बाकी अपना यहाँ पे कमर उस्ताद जी काम कर ही रहे हैं, प्लस यहाँ पे खोल दिया भाई अपना फ़िल्टर, फ़िल्टर में कोई कमी नहीं है ज़्यादा, तो फ़िल्टर भी उस्ताद जी हमारे यही कह रहे कि यही फ़िल्टर इसमें चल जाएगा। बाकी अपने यहाँ पे टोटल बॉडी यहाँ पे क्लीन होगी, जिससे कि यहाँ पे जो अपनी मिसिंग मार रही है, मिसिंग की प्रॉब्लम अपनी टोटल बॉडी है, जो कि भाई यहाँ पे क्लीन वगैरह करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या काम इसके अंदर रहता है, ठीक है जी। बाकी अपनी केदार अपनी राइड के लिए फुल तैयार हो रही है, फुल सर्विस हो रही है और बहुत तगड़ी राइड होने वाली है, आप लोग सपोर्ट और प्यार खूब बजा के कर देना इस बार। सो गाइस यहाँ पे फाइनली अपने उस्ताद जी ने यहाँ पे सीट हटा दी है, प्लस यहाँ पे ना और ये है अपनी टोटल बॉडी जो कि यहाँ पे खोल दिए, प्लस यहाँ पे अभी यहाँ पे हटा रहे हैं अपनी टंकी, जो कि यहाँ पे अभी सर्विस का काम भी होगा, यहाँ पे पेट्रोल निकलने का सीन है ना, इसको क्या है कि अभी यहाँ पे पेट्रोल का पाइप ही यहाँ से हटा दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे टंकी साइड हो जाएगी ना तो पेट्रोल लीक नहीं होगा, फिर हम लोग यहाँ पे तसल्ली से भैया अपने काम कर पाएंगे उस्ताद जी। बाकी आपको एक और चीज़ दिखानी थी, ये भाई मैंने छपवाया है काफ़ी सारे स्टिकर, जो कि भाई हज़ारों पीस है, जब भी हमारी हमारी कोई YouTube फैमिली से मिलता है तो उसको ये स्टिकर दिया जाएगा, और इसका भी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ इनकी शॉप पे अपने कमल उस्ताद जी के यहाँ पे इसको लगाते हैं, और जो भी कोई हमारे भाई यहाँ पे आएंगे अगर दिखता है स्टिकर अगर फॉलो करते हैं तो भाई सब्सक्राइब हमारी फैमिली में वो ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है जी। बाकी जब तक हमारे उस्ताद जी कुछ काम कर रहे हैं हम यहाँ पे इसको स्टिकर को लगा के दिखाते हैं, और ये स्टिकर कुछ ऐसा रहने वाला है आप देख लो, और ये कम से कम हज़ारों पीस मैंने प्रिंट करवा दिए हैं आप लोगों के लिए, जब भी आप लोग कभी मिलते हो मुझे रास्ते में या कहीं भी जाते समय तो आपको ये स्टिकर दिया जाएगा, और ये कैसा लग रहा है स्टिकर बताना आप लोग ज़रूर, फटाफट से इसको लगाते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे अपना होटल बॉडी जो था बढ़िया से साफ़ सुथरा करके उस्ताद जी ने एकदम क्लीन करके यहाँ पे फिटिंग कर दिया है, प्लस यहाँ पे टंकी भी लगा दी है। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं उस्ताद जी, यहाँ पे ने अपने जो ये चैन सेट है ना, ये चैन सेट भाई इतना ज़्यादा लूज़ है कि ये लंबी राइड के लिए ना हाईवे वगैरह के लिए ये कामयाब चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे उस्ताद जी बता रहे हैं चैन वगैरह टूट सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ना चैन सेट भी अपना यहाँ पे नया डलवा दे रहे हैं, और बाकी ये नया चैन सेट डलेगा अपना हीरो कंपनी का ओरिजिनल, बाकी अभी उस्ताद जी दिखाएंगे जब लाएंगे तो खोला खाली करेंगे। बाकी अपना टोटल बॉडी बिल्कुल साफ़ करके क्लीन करके बढ़िया से वहाँ पे फिटिंग कर दिया उस्ताद जी ने, काफ़ी बढ़िया काम चल रहा है। टाइम की बात की जाए टाइम हो रहा है करीब 3:20, जो कि भाई शाम हो ही जाएगी काम कराते कराते, क्योंकि अभी काफ़ी काम है, और बाकी हैंडल की बैरिंग का भी काम होना है, जो जब चेक करके आए थे तो यहाँ पे हैंडल की बैरिंग का भी थोड़ा सा लगा था कि हाँ भाई इसमें बैरिंग का कुछ काम होना है, बैरिंग या तो वही ठीक हो जाएगी या फिर नहीं डलेगी, तो अभी देखते हैं बाकी आगे का काम। बाकी जब तक उस्ताद जी कुछ चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, काम एकदम एक नंबर चल रहा है। सो गाइस यहाँ पे फाइनली अपने कमल उस्ताद जी ने खोल दिया यहाँ पे टायर, यहाँ पे हटा दिया इसका चैन सेट, जो कि चैन सेट यहाँ पे अपना हीरो का जैनमैन पार्ट्स लेके आ चुके हैं अपने उस्ताद जी, और प्लग भी ख़राब हो गया था तो यहाँ पे प्लग लगा दिया जा रहा है। तो चैन सेट एक बार खोल के दिखाओ छोटू, ये देखो भाई नया चैन सेट इसलिए दलवा रहे क्योंकि उस्ताद जी ने बताया भाई कभी भी जा सकते हैं, जो लंबी राइड हमारी हो रही है हो सकता है शायद वो चैन टूट जाए, तो यहाँ पे भाई हीरो का अपना जैनमैन अपना चैन सेट आ चुका है, यहाँ पे फटाफट से इसे फिट करेंगे, और बाकी ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग बताना जरूर। बाकी फटाफट से अपना उस्ताद जी कर रहे हैं यहाँ पे टंकी वगैरह के सारे पाइप लगा रहे हैं, बाकी यहाँ के अपने चैन सेट की करारी वगैरह जितनी भी थी यहाँ से सारे पार्ट्स यहाँ पे खोल दिए, और बाकी फटाफट से लगाते हैं नया वाला अपना चैन सेट। और उस्ताद जी ने काम भाई बहुत जेन्युइन करते हैं, और ये तो आपको पता ही है मुझे अक्सर इनके शॉप पे आने पे मजबूर हो जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक कमल उस्ताद जी मेरे साथ है। तो बाकी ये फटाफट से कराते हैं अपना चैन सेट फिट, और बाकी काम कैसा लग रहा है आप बताना जरूर। Oh,
सो दोस्तों वहाँ पे फाइनली अपना भाई चैन सेट बढ़िया से उस्ताद जी ने फिट कर दिया है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपने जो पहले वाले ब्रेक्स होते हैं बैक साइड वाले पीछे टायर के, वो हो चुके बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब, जो कि भाई यहाँ पे दाल लग के थे जिस भाई से दलाए थे ASK के दलवाए हुए थे। तो भाई इसको भाई उस्ताद जी ने कर दिया है बिल्कुल ही ख़त्म कि ये अब नहीं दलेंगे, और दलने वाले अब ये वाले जो कि भाई JBNHFE के रहने वाले हैं, और ये ब्रेक शू है। ठीक है जी, ये फटाफट से डालते हैं और काफ़ी सही ब्रेक शू है और लगा रहे उस्ताद जी हमारे, फटाफट से इसे फिटिंग कराते हैं। और ब्रेक शू यहाँ पे पहले वाले हो चुके हैं बिल्कुल ख़त्म। अच्छा हो रहा है कि भाई चलो दूर जा रहे हैं, कोई नहीं नए ब्रेक शू डलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नए ब्रेक शू डल रहे हैं यहाँ पे। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पे अपने हो चुके काफ़ी सारे काम, और यहाँ पे अपना चल रहा भाई फुली सेफ सिंथेटिक का अपना यहाँ पे ऑयल, और बाकी ऑयल का काम लास्ट रह गया था। यहाँ पे हैंडल अपना खोल के कस दिया है, चैन सेट बढ़िया से लग गए, ब्रेक शू नए डाल दिए इसके अंदर, और अपना जो टोटल बॉडी का काम था टोटल बॉडी भी यहाँ पे क्लीन हो गई, यहाँ पे बढ़िया से फिटिंग हो चुकी है। ठीक है जी, बाकी सारे ऑयलिंग सब कुछ बढ़िया से ग्रीसिंग वगैरह बस रह गया है भाई, यहाँ पे डाला जा रहा है अब लास्ट ऑयल, और यहाँ पे भाई ऑयल डल रहा है। ऑयल के थोड़े बेनिफिट उस्ताद जी, फुल्ली सिंथेटिक है भाई, फुल्ली सिंथेटिक है, इसके फुल्ली सिंथेटिक का थोड़ा सा मैटर बताओ। सिंथेटिक होता है इसमें VNDN नहीं आती पार्ट्स पे। अच्छा, अगर आप हाई स्पीड में हाईवे पे चलाते हो हाँ, उससे पार्ट्स पे VNDN नहीं आती। अच्छा, ऑयल की ग्रेविटी वैसी की वैसी रहती है। अच्छा, तो बाकी यहाँ पे फाइनली ऑयल डाल दिया है उस्ताद जी ने, और अब लास्ट काम बस, और कोई काम रह गया हो गए सारे ना, लास्ट यही था बस। सो गाइस अभी हो चुका है एक बहुत ही तगड़ा सीन, जो कि अभी सीन ये हो गया है कि भाई टेस्ट ड्राइव वगैरह सारे के सारे उस्ताद जी लेके आए, और सारा का सारा काम भी हमारा फिनिश हो ही गया था। जाते जाते ये था कि भाई लास्ट में ना अपनी वही मिसिंग वाली प्रॉब्लम जो थी वो दोबारा से वही प्रॉब्लम इसके अंदर आ गई है। प्लस अभी यहाँ पर क्या है, उस्ताद जी हमारे जो है अपनी केदार बाइक की जो टोटल बॉडी अभी साफ़ करी थी उसको दोबारा से यहाँ से खोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई जो अपना फ्यूल इंजेक्टर वगैरह था वो सारी की सारी चीज़ें चेक कर ली, लेकिन जब भी सेल्फ मार रहे तो रेस लेते ही ना एकदम से छोड़ दे रही है। तो अभी ये क्या है कि यहाँ पे अभी उस्ताद जी खोल रहे हैं टोटल बॉडी, जो कि अभी यहाँ पे फ़ोन करके किसी से अपनी नई टोटल बॉडी मंगाई है, हो सकेगा तो वो लगने के बाद स्टार्ट हो जाती है। ये मोटर की बात आती है मोटर की, तो मोटर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोटर उस्ताद जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, टोटल बॉडी की दिक्कत दिख रही है। तो टोटल बॉडी को अभी यहाँ पे मंगवाया है, टाइम की बात की जाए शाम हो चुकी है 5:50, और अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा, फिर जाके वो यहाँ पे आएगी टोटल बॉडी, फिर यहाँ पे लगाई जाएगी। अगर उससे काम बन जाता तो वेरी गुड, क्योंकि बड़ी लंबी राइड पे जाना है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, मूड वैसे ख़राब ही हो गया है। जितना पैसा है सारी केदार बाइक में लग जाएगा, तो राइड कैसे होगी, और राइड का पैसा सारा इसमें लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और अब देखते हैं कैसे क्या होता है, बाकी उस्ताद जी अपनी यहाँ पे टोटल बॉडी खोल रहे हैं, चलो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। कम से कम 1-2 घंटे का टाइम दिया है जो भाई हमारे टोटल बॉडी लेके आने वाले हैं, बाकी देखते अब क्या होता है। सो गाइस यहाँ पे फाइनली काफ़ी काम, काफ़ी देर बाद, मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारे उस्ताद जी ने लगाई थी यहाँ पे टोटल बॉडी, चेक करी लगा के, वो भी काम नहीं बन पाया, जो कि भाई यहाँ पे हीरो कंपनी से ही उनके बंदे से मंगवाई थी, जो कि यहाँ पे चेक करी गई नई, ये टोटल बॉडी लगी हुई है, ये अपनी हीरो कंपनी से मंगवाई हुई है नई वाली, जो कि भाई यहाँ पे ये भी लगा के चेक कर ली, तो इससे भी काम अब नहीं बन पाया है। कल कह रहे हैं उस्ताद जी यहाँ पे क्या है कि अपनी जो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है उसे भी लगा के देखेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे बात कुछ भी नहीं बन पाई, काम सारे हो गए, सर्विस वगैरह हो गई, ऑयल डल गया, ब्रेक शू लग गई, चैन सेट लग गया, पर जो मिसिंग वाला लास्ट प्रॉब्लम जो थी, जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं आया था यहाँ पे, वो प्रॉब्लम दोबारा से अटक चुकी है। अब ये जो है मैं इसको अपनी बाइक को यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है जी, बाकी आप सुबह कल यहाँ पे आके दोबारा से देखना पड़ेगा कि क्या किस वजह से ये अपनी यहाँ पे बाइक मिसिंग मार रही थी। छोटे मोटे काम यहाँ पे कंपनी में अपने उस्ताद जी दिखा देंगे, यहाँ पे खुद ही अपने आप चेक वगैरह करके, तो यहाँ पे उस्ताद जी कल बताएंगे अब क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं है। बाकी अब यहाँ पे भाई हो चुका है मैटर ख़राब, अब टाइम भी हो चुका है करीब 7:15, यहाँ से अब निकल रहा हूँ, टाइम हो गया ज़्यादा, काम बन नहीं पाया। बाकी कोई बात नहीं, छोटे मोटे काम होते रहते हैं, बाकी यही है कि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, उस्ताद जी की
शॉप पर ही मैं अपनी बाइक छोड़ के जा रहा हूँ। कल आके यहाँ पे दोबारा से देखेंगे भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो बाकी यही है कि मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, बाइक यहीं छोड़ के मुझे जाने पड़ेगी। तब तक के लिए बाकी अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड अपने भाई की इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको सो रही है स्क्रीन पर, लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लिविंग कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड से बड़ों की इज्जत रखो, खुश रहो, बाय बाय, लव यू ऑल, हर हर महादेव। बाकी देखते हैं कल सुबह आते हैं फटाफट से इसको, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।